हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्टडी 24 ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली बेसिस पर किसी भी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज की अपडेट की। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बात करके समस्या के हल का आश्वासन दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 14 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में दिव्यांगों की 4% आरक्षण देने का नियम है। आरक्षण के लिए एक्ट होने के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद के ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दिव्यांगों ने मांगा 4% आरक्षण। तो आज की इस अपडेट में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।